खाने में जाने से पहले मैं एक ये प्रोटीन बार और एक केला खाने वाला हूँ। या दैट सेड, अभी मैं बस हरीश भैया के टेक्स्ट के लिए रुका हूँ कि कभी नीचे मिलना है एवरीथिंग, सो वंस ही कम्स आई गो नीचे। अभी थोड़ा सिनेमैटिक पार्ट कर लूंगा, व्लॉग वगैरह, एंड आज कॉलेज नहीं जाना है, सो थैंकफुली आज जो भी एमएमए में करूंगा आई कैन कम होम एंड आई कैन शो इट टू यू गाइस आराम से फुर्सत में इंस्टेड ऑफ कार में बैठ के। सो या आई एम गोना गो हैव माय फर्स्ट वर्कआउट, आई विल कैच यू गाइस जिम के बाद। नो, जिम के बाद नहीं, या आदत हो गई है मेरे को, आदत गई नहीं है मेरी पिछले साल की, बट या आई मिस व्लॉगिंग यार, आई मिस व्लॉगिंग, या आई कैच यू गाइस सीधा एमएमए के। It's been weighing on my mind for too long, too long. Do you wanna save a life? 'Cause I just really need someone. I've been barely holding on. And I'm still running from my demons. मेरे को इतने जोर के जाग पड़े आज कि मेरे को मेरा जॉ आइस करना पड़ रहा है। कैमरा में दिख रहा नहीं रहा, बट ये थोड़ा सा सूज गया है। So, मेरा जॉ बहुत वीक है, आई हैव टू स्टार्ट ट्रेनिंग माय जॉ। मैंने एक चीज मंगाई थी अमेज़न से, वो मेरे को फाइंड करनी पड़ेगी, आई गेस उससे जॉ स्ट्रॉन्ग है। आज के वर्कआउट के लिए मैं सोच रहा हूँ मेरे ये जॉर्डन 11s ना पहनूं। इसका वर्कआउट मोस्टली बाइसेप्स फोकस है, इट्स एन एक्टिव रेस्ट डे, सो स्टार्ट करने वाला हूँ मैं 100 चिन-अप्स से। मैं सोच रहा हूँ आज मेरे यीजीज पहन के रहूं जिम में, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोगों ने यीजीज यूज किया तो आप लोगों को मालूम रहेगा कि उसका कम्फर्ट नेक्स्ट लेवल है। बट आज आम वर्कआउट है, आर्य ऑलरेडी जिम में आ चुका है, आप लोगों को उधर जाके बोलता हूँ कि मोस्टली क्या ही वर्कआउट करने वाला हूँ। मैंने अभी तक सोचा नहीं है, सो आई ड्राइव, आई थिंक कि क्या वर्कआउट करने वाला हूँ, एंड आ चुका है सीधा जिम में। आई नो कि मैं क्या करने वाला हूँ, जस्ट बिकॉज पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने एक वॉइस ओवर किया था, आज का वीडियो इज गोइंग टू बी अ वर्कआउट एडिट या समथिंग। आर्य अभी है साथ में, सो एक अच्छा एडिट बन जाएगा। बाय द वे ये हमारा नया जिम है, पहले मैं इसके रिसोर्ट जाता था राइट, तो उसके बाद मैं सोच रहा था कि नया जिम कौन सा ज्वाइन करूँ, बिकॉज तो फिल्मिंग वापस से स्टार्ट करना है। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर आर्या, बिकॉज उससे मेरे को वापस से पुश करना चालू किया जिम जाने के लिए। इवन तो मेरा इंजरी खत्म हो गया था, आई वाज स्टिल स्कैर्ड, बट आर्या वाज लाइक कि तू डर रहा है फुकट में, डर मत। तो उससे मेरे को बहुत सुनाया कि कैसे मैं बहुत ही ज्यादा स्किनी हो गया था, उसकी वजह से आई गेन व्हाट लाइक 3.5 kgs बैक इन लेस देन अ मंथ एंड हाफ, व्हिच इज इनसेन। आई एम लाइक एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। पूरा जिम खाली आज, सो आज शांति से वर्कआउट होगा, कोई फालतू म्यूजिक नहीं बजेगा, एंड देन मैं और आर्या आराम से फिल्म कर पाए। उसको भी वेलकोर के क्रिएटिन के लिए कुछ तो रील फिल्म करना था। तू भी आम से ले रहा क्या है, कट किया भाई, माय गॉड बहुत छोटा लग रहा है, तो क्लीन शेव करके बहुत ही ज्यादा वियर्ड लग रहा है। बच्चा लग रहा है ना, बच्चा भी लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई बच्चा रॉइड्स पे क्यों बॉडी लग रहा है। हाँ, ये तो थोड़ा वियर्ड लग रहा है, बहुत बहुत अलग लग रहा है। तेरे को अभी मैं कल देखा, ओ मेरा केस, केस पे क्या लिखा, व्हाट दे थिंक यू कांट डू, क्या किसी का तो कोर्ट रहेगा ना। हाँ, मेरे को ये केस गिफ्ट में मिला, बिकॉज मेरा केस मर गया था ना, इसके लिए मैं कुछ गिफ्ट में दे दी। अच्छा, नाइस। तू भी आम से ले रहा है पूरा? चल अभी आम चलेगा। थ्री, ऑल क्रीचर्स नीड टू ओबे, नो वन कैन सर्वाइव विदाउट ट्रस्टिंग समवन, समवन दे फील इज बेटर, मोर वर्थी देन देमसेल्व्स। To avoid that responsibility, those who are worthy look even higher, searching for more superior beings. And those superiors do the same,
looking for even stronger individuals they can believe in. That is how all kings are created. It is also how gods are born. But please, don't believe me yet. I'm going to take my time and show you which god you should have faith in. And afterwards, you'll decide what to believe. ようこそ私のソウルソサエティへ。バルカイ、行くよ強化水月。मैं तो ऐसे पकड़ता था ऐसे। ओके, सो इससे मेरे को सैमसुले का फोरम वर्कआउट बता। सो आ गया पीछे जा थोड़ा। सो ये वाला जो पार्ट है उसके लिए, सो व्हाट आई एम थिंकिंग इज फाइनली बाइसेप्स की अभी तीन एक्सरसाइज कर ली अपन, बस स्टेबल बाइसेप्स की तीन एक्सरसाइज कर ली हम लोग ने, सारे हेड्स टारगेट कर लिए, फोरआर्म्स करके विल फिनिश, एंड आज के 100 चिन-अप्स भी हो गए। सो बेसिकली चार एक्सरसाइज की आज, आर्म्स की कल चेस्ट एंड ट्राइसेप्स है, बेसिकली एक पुश वर्कआउट है, एंड या विल फिनिश इट यहां से, एंड आई विल कैच यू गाइस सीधा जिम पे। ये जितने जल्दी समझोगे ना सब क्लियर हो जाएगा। अभी अपन जल्दी की अभी कैसे हस्त मैथुन मालूम है ना, हम लोग जब भी हस्त मैथुन करते हैं, हम लोग मतलब मैं नहीं करता, मैं नहीं करता, मैं नहीं करता, ये तो मैं नेट पे पढ़ा हूँ, आर्य के शब्द नहीं है, मतलब जब भी हम लोग नहीं, जो लोग जब भी हस्त मैथुन करते हैं जो लोग ने ऑफिस देखा ना वो लोग समझ में करेंगे। माइकल स्कॉट एक बार ऐसे जिम को कोने में पकड़ के बोलता है, इट्स नॉट द हॉर्नीनेस, इट्स द लोनलीनेस। द हॉर्नीनेस, ओके, इट्स द लोनलीनेस। दैट्स अगर अब अभी बता, तू शादी को गया बाहर तेरे गांव में तेरे रिलेटिव्स के साथ, तो पूरा टाइम तुम लोग के घर के आसपास वाले सब रहते हैं, तुम लोग कजिन कजिन लोग टाइम पास करते हो, तभी एक भी बार हंसता करते हो, चार पांच दिन के लिए भूल जाते हो ना, फिर जैसे ही अपने घर आते हो मम्मी डैडी बाहर गए, वो चालू क्या ना। अगर आप बिलो 18 हो तो प्लीज आर्या को जाकर रिपोर्ट करो, उसने आपको बिगाड़ दिया है। मैं तो मरता ही नहीं भाई। वो दिन ये लिटरली बोला था मेरे को पुल अप करते थे। 75 हार्ट का जो हार्ट है ना वो उससे वहां से लाना है। ए, मेरा वीडियो ले ले।